आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज हम आईपीसी की सीरीज में बात करने जा रहे हैं सेक्शन 120A सेक्शन 120B। इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एडवोकेट स्वर्ण किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जी नमस्कार सर जी। जिस तरह से सेक्शन 120A 120B की बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं जी? सबसे पहले सर्वप्रथम मैं आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसीज जो आज का चर्चा का विषय है जी, आज का संवाद का जो विषय है, इसका डेफिनेशन, इसका मत कि कब किसी एक ऑफेंस को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के दायरे के अंदर लाया जाए जी, जी। उसका डेफिनेशन जो आईपीसी में दिया है, पहले उसको पढ़ना ज़रूरी है। वो ऐसा है कि आईपीसी कहता है कि व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट और एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाई इलीगल मीन्स सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब जब भी हम कहेंगे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत 120A के तहत एक्स वाई जेड और ए बी सी इज बींग हेल्ड एज एक्यूज जी, उसके लिए पहला रिक्विजिट, पहली चीज़, पहला उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि कोई पेरेंट ऑफेंस होना ज़रूरी है जी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। पेरेंट ऑफेंस क्या होता है सबसे पहले इसके मैं बारे आपको उसके वहां पर मैं आई विल कम टू दैट। अब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन इटसेल्फ इज नॉट एन ऑफेंस, इसको ये कोई ऑफेंस करने के लिए जो षड्यंत्र किया जाए, कोई कॉन्स्पिरेसी की जाए, जब आपके पास पेरेंट ऑफेंस है, इट कैन बी कोई भी ऑफेंस, इट कैन बी मर्डर, इट कैन बी हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, इट कैन बी किडनैपिंग, कुछ भी हो सकता है आप, लेकिन कोई भी पेरेंट ऑफेंस विच इज़ डिफाइंड इन आईपीसी, एक वैसा ऑफेंस होना ज़रूरी। फिर दूसरा रिक्विजिट ये है कि एक व्यक्ति जब एक्यूज होगा तो उसको आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आ सकते हैं, आपके पास दो या दो से अधिक लोग होने चाहिए जो आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करने के। अब किसका कितना रोल है? अब मान लीजिए आपको मर्डर कर रहे हैं या आपने किडनैपिंग किया, वो हर उसमें अलग अलग मान के चलें कि चार लोग हैं, पांच लोग हैं, तो हर एक व्यक्ति ही, या मर्डर के केसेस में वेपन जो चलाना है वो चार लोग, चार के चार तो नहीं चलाएंगे ना। मान लो किसी एक ने चलाया है लेकिन बाकी के चार जो हैं या बाकी के तीन जो हैं उनका भी रोल रहा है, इट कैन बी बाय वे ऑफ प्लानिंग, इट कैन बी बाय वे ऑफ प्रोक्योरिंग द वेपन ऑफ ऑफेंस, इट कैन बी कि आप कब ये प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो ऑफेंस आपने कैसे, कब, कहाँ जाकर वो करना है, वो सारे जब दो या दो से अधिक लोगों ने एग्री किया हो, देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड एग्री, एग्रीमेंट हो उनके बीच में दैट हम ये वाला ऑफेंस कर रहे हैं, उनके बीच में अगर वो एग्रीमेंट हुआ हो तो ही कॉन्स्पिरेसी के दायरे में वो आता है। और वंस दे एग्री टू डू और कॉज टू बी डन, जो भाषा है एक्ट की वो ये कहती है कि या तो आपने करना है या उस ऑफेंस को होने में बाकियों की मदद करनी है। ऑफेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इट कैन बी एनी ऑफेंस विच इज़ डिफाइंड इन आईपीसी जी, कोई भी ऑफेंस हो सकता है जो आईपीसी में जो इलीगल एक्ट, बेसिकली 120A जो है वो विशेष कर कहता है कि कोई भी इलीगल एक्ट। अब इलीगल एक्ट कैसे होगा? जो भी एक्ट जो आईपीसी में डिफाइंड है या किसी और कानून के तहत की जो है अलग अलग सजा जो है वो सुनाई जाती है। हाँ, वो उनकी अलग अलग सजा होती है, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप अगर एक बार आपका इफ यू आर बीइंग हेल्ड गिल्टी अंडर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके लिए सजा 120B में ही दी गई है, जो इसका अगला सेक्शन है आईपीसी का 120B। तो सेक्शन 120B के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? सेक्शन 120B इज़ अबाउट पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसमें दो क्लॉजेस हैं। पहला क्लॉज 120B का ये कहता है कि इट डील्स विद दोज ऑफेंसेस, सच एन ऑफेंस जिसमें आपने ऐसे क्राइम के लिए कॉन्स्पायर किया है जिसकी सज़ा डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ 2 years, एक वो क्लॉज है। दूसरा क्लॉज है कि जो उससे कम की सज़ा है। अगर आपका आपने ऐसे क्राइम के लिए कॉन्स्पायर किया है जिसकी सज़ा डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट
और रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स है, तो आपको उस कॉन्स्पिरेसी के लिए उस ऐसे जिस ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की आपने उसकी एबेटमेंट की जितनी सज़ा आपको मिलेगी जी। और सेक्शन 120B का क्लॉज 2 ये कहता है अगर आपने ऐसे किसी ऑफेंस के लिए कॉन्स्पायर किया है जो कि जो ऊपर दी गई जो क्लॉज 1 में दी गई ऑफेंसेस हैं उनमें नहीं आता, उनसे कम आता है, तो आपकी इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से ज़्यादा नहीं, लेस देन 6 मंथ्स, या फाइन और बोथ। ये आपकी सब सजा है। ये जिस तरह से सेक्शंस की हम बात करें 120A 120B की बात की जिसमें क्राइम और पनिशमेंट दोनों की बात की, आज के टाइम में ना लोग इसको लेकर जागरूक नहीं है कि हमारा जिस तरह से आईपीसी में क्या चीज़ें इंक्लूडेड है क्या नहीं, किस तरह की पनिशमेंट होती है, किस तरह के क्राइम की क्या पनिशमेंट दी जाती है, उन लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा डू नॉट इवन इंडल्ज इन टू दीज ऑफेंसेस। If you are indulging into these offenses, then you better hire a good advocate to just save you somehow. लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ लोगों को अवेयर होने की नहीं है, मैं आपको ये बताऊँ कि ये चीज़ लोगों को इस चीज़ से इट शुड बी ट्रीटेड एज ए डेटरेंस। वी शुड नॉट बेटर इन्वॉल्व इंडल्ज इन टू सच ऑफेंसेज बिकॉज ये कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं, ये मान के चलिए आईपीसी में अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को क्राइम करते हुए देखते भी हैं लेकिन हम चुप बैठ जाते हैं, उस चीज़ को लेकर मैं बात कर रही हूँ। चुप बैठना तो मेरा ये मानना है कि आज के सभ्य समाज में चुप बैठना और जब आप कोई क्राइम होते हुए देख रहे हैं बींग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड नॉट स्टे मम बिकॉज सिस्टम इज़ ऑन योर साइड। आपको ये चीज़ बी एश्योर्ड कि सिस्टम इज ऑलवेज ऑन योर साइड। क्रिमिनल जुडिस सिस्टम के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया जो एडवर्सेरियल सिस्टम है यहाँ पर आपको कभी भी भारत के जस्टिस सिस्टम में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी निर्दोष को सजा हुई है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू फियर अनलेस यू आर गिल्टी, अनलेस यू हैव कमिटेड सम ऑफेंस। थैंक यू सो मच सर। तो आज हमने आईपीसी की सेक्शन 120A 120B के बारे में बातचीत की और उम्मीद है आपको इससे जानकारी जरूर मिली होगी और अगले हफ्ते हम नई सेक्शन पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ो के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जमा।